डॉक्टर नरेश त्रेहन जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी के हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर त्रेहन, सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अगर आज की तारीख में लॉकडाउन नहीं होता तो संक्रमण की संख्या बहुत अधिक होती। बीते 30 दिनों का हम आकलन यहां पर कर रहे हैं आज ई एजेंडा के साथ। आप बीते 30 दिनों में हिंदुस्तान के उठाए कदमों से कितने संतुष्ट हैं एक डॉक्टर के नाते? बहुत ज्यादा। ये सही बात है कि अगर जो लॉकडाउन नहीं होता तो हमारी जो मुसीबत बहुत बढ़ जाती आज तक। तो इसीलिए लॉकडाउन का फायदा बहुत हुआ है कि एक तो चेन में ब्रेक आया है, दूसरा इसकी जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके ऊपर बहुत कंट्रोल है। अगर जो आप इसकी तुलना और देशों से करेंगे जहां लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं था या नहीं किया गया, तो उनके अंदर बहुत रैपिडली ये फैला है, तो ये बहुत संतुष्टि की बात है। दो बातें हैं, एक तो टोटल नंबर कम बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि हॉटस्पॉट्स जो है वो उनका पता लग गया है। तो ये आज के दिन गवर्नमेंट की जो तैयारी है कि हॉटस्पॉट्स को तो लॉकडाउन रखना ही है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे जो संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं पे जब तक उसमें ड्रॉप नहीं आएगा तब तक उन हॉटस्पॉट्स को खोलने का कभी भी मेरे ख्याल नहीं करना चाहिए। पर अगर जो आप दूसरी तरफ से देखेंगे इसको कि आप ये भी देख रहे हैं कि काफी लोगों को तकलीफ हो रही है, खास करके जिन बेचारों को जो लेबर बाहर दूर से बैठी हुई है घर के बाहर, उनको खाना वगैरह मिल रहा है पर मतलब सबको भी इतनी पूरा नहीं मिल रहा, शेल्टर नहीं है, बहुत सारी तकलीफें हैं और इकोनॉमिकली बहुत उनका बुरा हाल है। सो इसका तरीका तो ये, जैसे जैन साहब ने कहा अभी कि अभी 9 दिन और हैं, और 9 दिन से मतलब 7 दिन 6 दिन इसके बाद हम देखें कि क्या आंकड़े हैं, कहां कहां हॉटस्पॉट्स हैं, कहां कहां ग्रीन जोन हैं, कहां कहां येलो जोन हैं, उसके हिसाब से इसको आहिस्ते आहिस्ते खोला जाए। खोलना भी जब है तो इकट्ठा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फिर तो इसका कोई अंदाजा नहीं कि कितना फैलेगा और इसको कैसे संभालेंगे। अगर जो हम जैसे 10% एक्टिविटी शुरू करते हैं, जैसे अब फार्म सेक्टर शुरू हो गया, अब फार्म सेक्टर को हमें ये देखना है कि पूरी उनकी जो चेन है कटाई से लेके मार्केट तक मंडी तक, जो हमारे ये हमने प्रिकॉशन जो करी हुई है जिसको डिस्टेंसिंग और मास्किंग और हैंड हाइजीन कहते हैं, अगर जो इन तीनों के ऊपर अमल हो रहा है, मंडीज ऐसी बन गई हैं जिनके अंदर ओवरक्राउडिंग नहीं होती, जो कोरोना प्रूफ बनाई गई है जिसके अंदर डिस्टेंसिंग होगी, जब ये एस्टैब्लिश हो जाएगा आने वाले 2-4-5 दिन में, तब पता लगेगा हमें कि इसका कितना नुकसान हुआ है। और अगर जो ये ठीक रहा तो हिम्मत बढ़ जाएगी कि नेक्स्ट सेक्टर को भी खोला जाए, नेक्स्ट सेक्टर को भी खोला जाए। अब जैसे उद्योग मेरे जो जैसे किसी किसी की बात होती है कि मेरी फैक्ट्री तो खुलने की परमिशन मिल गई, पर जहां मेरे पार्ट्स बनते हैं जो आसपास के जोन में है, अगर जो वो नहीं खुलेंगे तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकूंगा। तो इस सब चीजों को, ये हमारे पास टाइम है, इन चीजों को बहुत ध्यान से मेजर करके इसको खोलते जाना चाहिए आहिस्ते आहिस्ते। जैसे आज दुकानें खुली है, अगर जो वो छोटी दुकानें कहीं जो रेजिडेंशियल एरियाज में खुली है उसके अंदर अगर जो लोग ये जो बताते हैं हम कि ये प्रिकॉशंस लेनी है आपने डिस्टेंसिंग की, मास्किंग की और हैंड हाइजीन की, और संतुष्ट होके अपनी सप्लाईज लेते हैं, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि पब्लिक का बिहेवियर पैटर्न ठीक है। अगर जो पब्लिक का बिहेवियर पैटर्न ठीक है तो हम नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हैं। अगर जो अभी भी लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे और लापरवाही करेंगे, तब तो हमें ये भी पता लग जाएगा कि ये अभी इसका लॉकडाउन का पूरा इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसको आहिस्ते 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 खोलना चाहिए, क्योंकि अगर जो एक्टिविटी शुरू ही नहीं होगी तो पता भी नहीं लगेगा। दूसरा, अगर जो जैसे 10% खोलेंगे हमें पता लग जाएगा आने वाले एक हफ्ते में कि क्या हुआ है उसका, उस एक्सपीरियंस से हम एक अगले हफ्ते कुछ एक और स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोग्राम बन सकता है कि आने वाले 3-4 हफ्ते में काफी सारे ग्रीन जोन और येलो जोन को खोल दिया जाए। रेड जोन को तो परमानेंटली बंद रखना है जब तक वहां पे जो संख्या है वो कम होती जाए और वो क्लीन हो जाए, तब उनको खोलना चाहिए।